तो जनाब सरप्राइज ये है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 2 दिन पहले उन्होंने अपनी तीसरी शादी की अनाउंसमेंट की है, तो हमने सोचा हम भी उनको मुबारकबाद दे दें। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आमिर भाई, जिंदगी का नया सफर बहुत कामयाबी के साथ और बड़ा बेहतरीन रहा आपके लिए, हमारी यही दुआ है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार मुल्तान सुल्तान की शिकस्त के बाद हमारी सराइज भी अच्छा महसूस करेगी, हम कैसे करेंगे। अच्छा तो अब तो, हाँ अब तो चुके मुल्तान की टीम भी अब आपकी टीम हो गई, मुल्तान की फतह, लेकिन लाहौर जीता भी है समझे, आपके पड़ोसी ने आपको हरा दिया। हाँ लेकिन उनका तो सुबह है ना, हमारा तो सुबह नहीं बन रहा भाई। हाँ आमिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले तो, और जावेद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई आपको मुबारकबाद देने के लिए बहुत ही जो है वो कल भी कोशिश कर रहे थे पर कल टेलीफोन आपका जो है वो मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम, बस बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे बड़े। अच्छा आप मेरे पास जो नंबर है वो सारे बंद थे जी, मैंने कहा आपके 3 नंबर मेरे पास हैं, कल मैं बहुत ट्राई कर रहा मगर नहीं बन नहीं थे। असल में आप 3 नंबर को याद रखते हो यार, 3 शादियां याद रखिए, आपको नंबर भेजूंगा। तो जब आप नया नंबर चेंज कर दें, मेरा वही नंबर होता है, आप मुझे भेज दिया करें, भेज दूंगा अभी, बात करनी हो तो। आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है जी? जी अलम बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आमिर भाई आप क्या कहीं घूमने उमने जा रहे हैं अभी? अब अभी पाकिस्तान में रहने का इरादा है फिलहाल? नहीं अभी कहाँ घूमने जाएंगे, तहरीक आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान नहीं भाई। हाँ तो सोशल मीडिया पे तो आप छाए हुए हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह इस वक्त आप ही की बात हो रही है। बस वो यहाँ पर शादी लोग करें तो वो बुरा लगता है, जिना करें तो लोगों को शायद अच्छा लगता है, निकाह को फौकियत नहीं देना चाहते, गलत कामों को देना चाहते, इसलिए मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैंने सिर्फ शादी की को बड़ा काम नहीं किया, हमने मसरू ना किया है, नबी की सुन्नत पर अमल किया है, पता नहीं क्यों परेशानी लोग जलते होंगे। आमिर भाई उनकी नहीं हो रही है इस वजह से जल रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि उनकी खुद की दूसरी नहीं हो पा रही, तो कह रहे थे तीसरी कैसे कर ली। तो अब ये ऐसे लोगों के लिए पैगाम क्या है आमिर भाई आपका, ये क्या करें फिर? कुछ नहीं करें, डिस्टिल जैसे कि 2 गोलियां खाया फाका होगा। हाँ क्या कौन सी 2 गोलियां खाए? डिस्टिल जैसे पेन किलर होती है, बड़ी जबरदस्त फीलिंग है, 2 गोलियां तो फाका होगा। सही सही सही। तो अब ये फिर सोशल मीडिया पे जो तनकीद इस वक्त आप पर हो रही है, आप इसको कैसे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या कहीं कुछ लग रहा है? मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, मैं तो तनकीद को कभी भी, मैं मियां दाद भाई की तरह हूँ। अच्छा। पर जितनी तनकीद होती रही मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि इनको जितनी भी खिलाड़ी सचिन पेश करना चाहिए कि 92 का वर्ल्ड कप अगर खान साहब यू टर्न ना लेते, और से यू टर्न कि इनको वापस बुलाते, ये पाकिस्तान छोड़ गए थे इनको वापस बुलाया, ये वो यू टर्न था जिसकी वजह से जो है हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। और जाहिर मेहता साहब ने पहले तो इंजमाम उल हक को खिलाया कि कैसे खेलते हैं, और न्यूजीलैंड को मैच में जबकि आ गए, उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड दिखलाया क्योंकि सेमीफाइनल पहुंचे थे, और फिर फाइनल में खेले तो मुझे इसी तरह याद है कि जब वर्ल्ड कप जीत कर खान साहब आ रहे थे तो ये परचम ये पाकिस्तान के लहरा रहे थे, इन्होंने आगे बढ़ के गले लगाया, अरे यार मैच तो हूँ आते जाओ। सही। और आमिर भाई खान साहब ने मुबारकबाद दी, फोन वोन किया, बात हुई उनकी? जी उन्होंने फोन आया था, उन्होंने फोन आया, उन्होंने कहा हाँ भाई तो ये अब तभी के ये तुम्हारी कौन सी शादी? मैंने कहा 30 के लिए यार, वैसे 10 के लिए। अच्छा आमिर भाई एक ये PSL चल रहा है तो आपकी तो फेवरेट टीम अब मुल्तान सुल्तान ही है, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब की टीम है, कोटा ग्लैडिएटर जी, कोटा ग्लैडिएटर। अच्छा तो भाग के मुल्तान सुल्तान मेरी बीवी की वजह से हो गई, तो अब आपको भी फेवरेट रखनी पड़ेगी वो, क्योंकि वो तो जरूरी होगा। हाँ जाहिर रखी गई, तो जहांगीर तरीन साहब की टीम है, उनकी पार्टी के साथ तो ताल्लुक इतने अच्छे नहीं चल रहे, पर वो वहां से कोई क्लैश तो नहीं हो जाएगा? नहीं जहांगीर सिंह साहब की नहीं, अली तरीन की, अली अली है, अली अली उसको दिख रहे हैं, जहांगीर साहब उतना नहीं उसमें इन्वॉल्व हुई। अच्छा क्योंकि कल वो आए हुए थे मैच देखने के लिए स्टेडियम में? आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, लेकिन ये मेरा तो खैर उनसे अच्छा ताल्लुक है, लोधरा से ही मेरी शादी हुई है, लोधरा में वो रहते हैं, तो अगर वो कभी खड़े ससुराल हो गया वो तो सुबह से भी मैं ही हूँ, ससुराल हो गया वो आपका जहांगीर तरीन साहब जो है वो ससुराल ही होगा। जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो एक मरतबा फिर आमिर भाई, खुश रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, शाद रहे, आबाद रहे जी जी जी। अच्छा आमिर, ये शादी तो आपने वहां कर ली, वलीमा कराची में ही कर रहे हैं ना? जी वलीमा कराची को, उसमें सबसे आगे पेश पेश मेरे जावेद भाई होंगे। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।